हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये पैटर्न हमारे बॉर्डर का है। ये देखिए, ये जिगजैग स्टाइल में है। इस पैटर्न को आप कार्डिगन, गर्ल्स कुर्ती, फ्रॉक, लेडीज स्वेटर में डाल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनता है। और इस पैटर्न के साथ साथ मैं आपको ये डिजाइनर फंदे भी डालने सिखाऊंगी। इस बॉर्डर को हम 11 नंबर की सिलाई पे बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 11 नंबर की सिलाई है और इस पे सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे डालने के लिए हमें ये तीन फोल्ड करनी है धागे की। ये मैंने तीन फोल्ड कर रखी है धागे की और अब फंदा डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तीन फोल्ड करने के बाद यहाँ से ये पहले फंदे डालने के लिए यहाँ पे ये हमने ये तागा सिलाई में डाला। ये सबसे पहले हम ये जो हमारे तीन फोल्ड कर रखे हैं तागे को, इस तागे को, ये इन तागों को, ये जो तीन फोल्ड हैं इसको अंगूठे के सहारे ऐसे घुमाएंगे और सिलाई में डालेंगे। ये तागा जो हमारा सिंगल है इसको अपनी साइड से लाके सिलाई में ऐसे घुमाना है और ये अंगूठे के सहारे जो हमारे ये तागे फोल्ड है इसको सिलाई के ऊपर से लाके ऐसे स्लिप करके ये फंदा बना लेना है। फिर इसके बाद हम एक बार तो हमने अंगूठे के सहारे डाला, एक बार हम ऐसे में ये हाथ को ऐसे करेंगे और यहाँ से डालेंगे। ये जो त्रिपल तागे हमारे यहाँ से डाला और इस तागे को अब अंदर की साइड से, ये बाहर की साइड से अंदर को लाएंगे। ये बाहर की साइड से हम अंदर को लाए सिंगल तागे को और फिर ये जो हमारे ये तागे हैं, ये त्रिपल तागे, इसको सिलाई के ऊपर से लाके ऐसे स्लिप किया और ये फंदा बना दिया। ये देखिए, फिर अंगूठे के सहारे ऐसे, फिर ये तागा अपनी साइड से घुमाया सिलाई पे और ऐसे फंदा बना दिया। फिर एक बार ऐसे में अंगूठे सहारे बनाया, दूसरी बार ऐसे में बनाएंगे ये हथेली के सहारे। ये देखिए, फिर तागा ऐसे में लाए और ये इस टाइप से स्लिप कर दिया। ये हमारा फंदा बन गया। ये देखिए, एक बार ऐसे में अंगूठे के सहारे और दूसरी बार ऐसे में, ये यहाँ से, और फिर तागा बाहर से अंदर की तरफ लाना है सिंगल वाला। और फिर ऐसे में ये जो तीन तागे इनको ऐसे स्लिप किया और फिर ऐसे जो तीन तागे हैं इनको ऐसे खींचना है, फिर ये हमारा फंदा बन जाता है। ये देखिए, फिर अंगूठे के सहारे डालेंगे और फिर ऐसे में फंदा बनाएंगे और एक बार ऐसे में हथेली के सहारे डालना है और ऐसे में ये जो सिंगल तागा है उसको ऐसे में लाएंगे बाहर से अंदर की तरफ और फिर इस सिलाई से ऊपर उतार के ये तागे जो हमारे त्रिपल तागे हैं इनको ऐसे स्लिप कर देंगे और ये तागा ऐसे खींच लेना है। इस तरह हमारे ये डिजाइनर फंदे बनने शुरू हो गए। हमें जितने भी फंदे चाहिए उतने हम डाल सकते हैं। इस तरह से हमारे ये फंदे बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, एक फंदा हमने ये अंगूठे के सहारे डाला और एक फंदा ये ऐसे में हथेली के सहारे। ये देखिए, इस तरह हमारे ये 73 फंदे, इस तरह मेरे ये 73 फंदे बन गए। ये देखिए, अब हम इन फंदों को बनाने के बाद अपना बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब फंदे डालने के बाद हम सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट रो होगी उसको बुनना शुरू करेंगे। ये मैंने 73 फंदे डाले हैं और 11 नंबर की सिलाई में डाले हैं। ये देखो, पहला फंदा तो हमने ऐसे सीधी साइड से सीधा ही उतार लेना है।
ये सीधा उतारा, उसके बाद तागा अपनी साइड को करेंगे। ये तागा अपनी साइड को किया यानी कि फ्रंट साइड को किया, और ये फ्रंट रो होगी हमारी। तो ये हम फ्रंट रो को ऐसे बुनेंगे, पहली वाली रो को, ये देखिए ये उल्टा बुनेंगे पूरी रो को। फंदा डालने के बाद पूरी रो को फर्स्ट साइड से उल्टा बुनेंगे, ये ऐसे में, ये ऐसे करके बुनेंगे इसको। ये हमने फर्स्ट रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है उल्टी बुन के। ये फंदे डालने के बाद हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई फ्रंट साइड से। ये देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब बैक साइड से सेकेंड रो। ये पहला फंदा तो हमने ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है, और फिर तागा अपनी साइड को करना है। फिर दो फंदे ये उल्टे बुनेंगे, ये दो फंदे हमने उल्टे बुनने हैं बैक रो में। ये दो फंदे तो उल्टे बुन दिए, फिर इसके बाद हम नौ फंदों को डबल रोल करके बुनेंगे। एक एक करके हर फंदे को डबल रोल करेंगे। ये देखिए हमने डबल रोल किया और ये फंदा बुन दिया। ऐसे में हमने नौ फंदे डबल रोल करके बुनने, एक फंदा बुन दिया, दो, ये तीन, चार, पाँच, ये छः, सात, आठ और नौ। ये नौ फंदे हमने डबल रोल करके बुन दिए। ये बैक साइड से रोल कर रहे हैं हम फंदों को। इसके बाद हम तीन फंदे बिना रोल किए उल्टे बुन लेंगे। ये तीन फंदे हमने बिना रोल किए उल्टे बुन लिए। ये तीन फंदे, ये देखिए ये बिना रोल किए बुने। फिर हम यहाँ पे नौ फंदे डबल रोल करके बुनेंगे। और नौ, ये हमारे नौ फंदे। फिर तीन फंदे हमने बिना रोल किए बुने, फिर उसके बाद हमने ये नौ फंदे रोल करके बुन दिए। फिर हम यहाँ पे तीन फंदे बिना रोल किए बुनेंगे, उल्टे ही बुनने हैं उनको। ये तीन फंदे हमने उल्टे बुने, फिर हम नौ फंदे रोल करके बुनेंगे। इस तरह हम अपनी सेकेंड रो को कंप्लीट करेंगे। ये बैक साइड से हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। ये फ्रंट साइड से थर्ड रो। ये पहले के दो फंदे हमने ऐसे ही सीधे बुन लेने हैं। ये दो फंदे हमने सीधे बुने, फिर तागा अपनी साइड को करेंगे और एक जाली बना लेंगे। यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और इस तीसरे फंदे को भी सीधा ही बुन लेंगे। ऐसे में ये हमारी जाली बनी और तीसरा फंदा बुन दिया। फिर इसके बाद हमारे जो ये नौ फंदे रोल करके बुने हैं, इनको सिंगल करेंगे हम। नौ फंदों को एक एक करके हमने इनको सिंगल करना है। ये ऐसा खोला, ये फंदा खोला, और इसको दो बार इस फंदे को ऐसे पलटेंगे। एक बार पलट गया, फिर एक बार और पलटाएंगे। ये हमने एक फंदे को ये ऐसा पलटाया और राइट नीडल में डाल दिया। फिर दूसरे फंदे को भी डबल से सिंगल करेंगे। इसको एक बार पलटाएंगे,
ये एक बार पलटाया, फिर एक बार और पलटाएंगे इस फंदे को। ये हमने इन 9 फंदों को दो दो बार पलटाना है और राइट नीडल में डालते जाना है। ये देखिए, ये तीसरा फंदा, ये इसको एक बार पलटाया, फिर इसको एक बार और पलटाया। ये देखिए, हमने हर एक फंदे को पलटा के, दो दो बार पलटा के राइट नीडल में डालना है। ये देखिए, ये हमने हर फंदे को दो दो बार पलटाया। ये हमारे 5 फंदे पलट चुके हैं। फिर ये छठवां फंदा, इसको भी हमने दो बार पलटाया। ये हमने 9 फंदे पलटा के राइट नीडल में डाल दिए। फिर इनको राइट से एक साथ लेफ्ट नीडल में डाल देंगे। ये डाले, ये पूरे फंदे हमने लेफ्ट नीडल में डाल दिए। अब जो ये हमारा तीसरा फंदा है, तीसरा यानी कि जो जाली के बाद बुना है हमने ये फंदा, ये अब जाली साइज, तो हमारे ये 4 फंदे हो गए और इससे ये जाली के बाद वाला ये फंदा है। इस फंदे को अब यहाँ लेफ्ट नीडल में डालेंगे। ये लेफ्ट नीडल में डाला और जो ये फंदे हमने, 9 फंदे हमने ये पलटा रखे हैं, जो इनको एक एक करके इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतारना है इन फंदों को एक एक करके। ये देखिए, ये ऐसे, ये इस तरह से देखिए, ये पूरे 9 फंदे हमने इसके ऊपर से ऐसे उतार लेने हैं। और ये हमने पूरे 9 फंदे, ये देखिए, उतार लिए हैं। अब इसके बाद इस फंदे को इसी राइट नीडल में डाल देंगे। ये हमने बुना तो पहले पहले बुन दिया था इसको, इसको ऐसे ही उतार लेना है। ये ऐसे उतारा और इस धागे को थोड़ा सा हल्का सा खींचेंगे, जिससे हम बुनाई कर रहे हैं, हल्का सा खींचा और इसको ऐसे रहने देंगे। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे हम फिर इस धागे को ऐसे घुमा के आगे ला जाएंगे एक जाली बनाने के लिए। ये आगे लाए और यहाँ पे ये 3 फंदे, सॉरी 3 नहीं, ये 2 फंदे, 2 फंदे पहले सीधे बुन देंगे। ये 2 फंदे सीधे बुने, ये 2 फंदे सीधे बुन दिए। फिर यहाँ पे तागा आगे करेंगे अपनी साइड को जाली बनाने के लिए और ये तीसरा फंदा, इसको सीधा बुन लेंगे। ये तीसरे फंदे को सीधा बुन दिया ऐसे। फिर हमारे जो ये 9 फंदे हैं, इनको एक एक करके सिंगल करेंगे और ऐसे डबल घुमा के दो दो बार, ये एक बार घुमा दिया, ये ऐसे सिंगल किया हमने इसको, एक बार घुमा दिया, एक बार और ऐसे पलटा दिया और पलटा के इस राइट नीडल में डाल देंगे। ये राइट नीडल में डाला, फिर दूसरे फंदे को भी सिंगल किया, इसको भी ऐसे पलटाएंगे, ऐसे डबल करके ये घुमाया, ये ऐसे करा हमने और इसको फिर ऐसे पलटा देंगे। एक बार पलट गया, फिर इसको एक बार और पलटाएंगे। ये दो बार पलटा दिया और राइट नीडल में डाल दिया। फिर तीसरा फंदा सिंगल किया, फिर इसको भी ऐसे पलटाएंगे। ये एक बार पलट गया, फिर एक बार और पलटाएंगे। ये हमारे ये 2 बार हो गया। ये 3 फंदे हमने पलटा दिए और राइट नीडल में डाल दिए। फिर ये चौथा फंदा करेंगे सिंगल, फिर इसको भी ऐसे 2 बार पलटाएंगे।
ये दो बार पलटाया और फिर राइट नीडल में डाला। ऐसे ही हम इन पूरे 9 फंदों को ऐसे पलटा के राइट नीडल में डालेंगे। ये पूरे हमने 9 फंदे पलटा के राइट नीडिल में डाल दिए। अब राइट से इनको पूरे 9 फंदों को लेफ्ट नीडिल में डालेंगे। ये 9 फंदे हमने लेफ्ट नीडिल में जो पलटाए थे हमने इसी में डाल दिए। इनको पहले हमने डबल से सिंगल किया और फिर उसके बाद पलटा के राइट नीडल में डाला, फिर राइट से हमने इसको लेफ्ट में डाला। और जो ये जाली से पहले ये फंदा है हमारा, इस पे इन फंदों को एक एक करके उतारेंगे। अब इस फंदे को पहले हम लेफ्ट नीडल में डालेंगे और अब इन फंदों को जो ये हमारे 9 फंदे हैं इनको इसके ऊपर से एक एक करके उतारेंगे, यानी कि स्लिप करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पूरे 9 फंदे इस फंदे के ऊपर से हमने उतार के स्लिप करके ये आ गए। ये देखिए, अब इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बुनेंगे नहीं, हमने पहले ही इस फंदे को बुन दिया था। ये देखिए, इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा हल्का सा खींचेंगे। और ये खींचा हमने, फिर इस फंदे इस वाले तागे को यहाँ आगे करके या ऐसे आगे ला जाएंगे और यहाँ पर ये दो फंदे सीधे बुनेंगे। ये आगे लाके हमारी यहाँ पे एक जाली बन जाती है। ये दो फंदे हमने सीधे बुने, ये दो फंदे सीधे बुन दिए। फिर तागा अपनी साइड को लाना है और यहाँ पे एक जाली बनानी है। ये एक जाली बनानी है और फिर इस फंदे को सीधा बुनना है। ये देख, ये जो बीच में हमारे 3 फंदे हैं इनमें से 2 फंदे हमने ये सीधे बुने, फिर यहाँ पे 2 फंदे के बाद जाली बनाई और फिर ये फंदा बुना जो हमारा तीसरा फंदा था। ये जाली बनाई, यहाँ पे ये जाली बनाई और ये तीसरा फंदा बुन दिया। ये हम ये फंदे इस फंदे के ऊपर से जो ये हमने वो कर रखे हैं, पलटा रखे हैं, इस फंदे के ऊपर से इनको ये स्लिप कर लेंगे। पूरे 9 फंदे हमने स्लिप कर दिए इस फंदे के ऊपर से। फिर इस फंदे को हमने ऐसे ही उतार लेना है राइट नीडिल में और ये तागा आगे करेंगे, ये तागा आगे करेंगे और यहाँ पे एक जाली बनाएंगे और एक जाली बनाई और ये पहला फंदा, ये सीधा फंदा सीधा बुन लेना है। इस सीधा फंदा बुना और ये लास्ट में हमारे जो 2 फंदे रह जाते हैं इनसे पहले हमें एक जाली और बनानी है। ये ताक अपनी साइड को करना है और ये लास्ट के 2 फंदे सीधे बुन लेने। ये 2 फंदे हमने सीधे बुन दिए। इस तरह हमारी ये थर्ड रो
कंप्लीट हो गई और हमारा पैटर्न भी बन गया। ये देखिए ये बॉर्डर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हमारे जितने फंदे घटे हैं अब उनको हमने बैक रो में बढ़ाना है। यहाँ पे हमने 9 फंदे हमारे घटे हुए हैं तो हमने ऑलरेडी तो दो दो फंदे जाली से बढ़ा दिए। अब हमें बैक रो में 7-7 फंदे इन जाली के ऊपर इस पैटर्न के ऊपर 7-7 फंदे बढ़ाने। अब बैक रो बैक साइड से 4th रो ये पहला फंदा तो ऐसे ही उतार लेना है। ये देखिए धागा अपनी साइड रखना है और ये जो फंदे हैं हमारे साइड से इनको उल्टा ही बुनना है। ये उल्टा बुना। अब यहाँ पे जो जाली वाले फंदे आ रखे हैं इस पैटर्न के ऊपर इसको यहाँ से ये जो पीछे की साइड से ये ऐसे जा रखा है ये जाली का फंदा इसको यहाँ से बुनना है। ये देखिए ऐसे करके नहीं तो हमारे होल बड़े आएंगे। ये यहाँ से ऐसे बुनेंगे तो होल छोटे आएंगे। फिर इस फंदे को ऐसा डालेंगे इस तरह से फिर यहाँ से बुनेंगे। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया है। हमें 7 फंदे बढ़ाने हैं इनमें से हमारा ये देखिए ये एक फंदा ऐसे में बढ़ाएंगे। ये एक फंदा यहाँ से बढ़ाया ये फिर एक फंदा हम इस तरह से बढ़ाएंगे। ये इस तरह से उंगली के ये उंगली पे ऐसे घुमाएंगे तागा और ये एक फंदा बढ़ गया। ये हमारे 2 फंदे बढ़ चुके हैं। फिर हम यहाँ पे तीसरा फंदा बढ़ाएंगे इससे यहाँ पे तागा ऐसे करेंगे ये इधर को रहने देंगे पीछे की साइड को और यहाँ से बढ़ाएंगे। ये ऐसे करके ये जो तागा ले जा रखा है जो ये एक्स्ट्रा तागा है ये देखिए इसको यहाँ से बुनना है। ये यहाँ से बुना और ये 3 फंदे बढ़ गए हमारे। ये 3 फंदे बढ़े फिर यहाँ पे तागा अपनी साइड को कर देंगे और जो ये बीच का पैटर्न वाला बीच में जो ये फंदा है ये इसको बुन देंगे। ये इसको बुन दिया। फिर यहाँ पे हम इस पे एक और इसको उठा के एक फंदा बना लेंगे। ये एक फंदा बना दिया ऐसे में ये एक फंदा इस पे बन गया। ये हमारे 4 फंदे बढ़ गए। फिर ऐसे हम अंगूठे के सारे ये एक बार तागा रोल करके और एक फंदा बना लेंगे। ये ऐसे ये हमारे 5 फंदे हो गए। ये 5 फंदे हुए फिर इसको एक बार इसी को और बुनेंगे। ये जो हमारा ये तागा है ये देखिए इसको ऐसे उठा के एक बार इसको और बुनेंगे। ये तागा पीछे रखेंगे और इस टाइप से ऐसे में बुन देंगे। ये हमारे 6 फंदे हो गए। ये 6 फंदे हो गए फिर एक बार इस अंगूठे के सहारे से ऐसे में एक फंदा और बना देंगे। ये हमारे 7 फंदे हो गए। यहाँ पे हमारे पूरे ये 7 फंदे हो गए। 7 फंदे के बाद हमने तागा अपनी साइड करना है और ये जो हमारा जाली के द्वारा फंदा बढ़ रखा है इसको यहाँ से नहीं बुनेंगे। ये इसको ये जो पीछे की तरफ से यहाँ से ऐसे में करके बुनेंगे। ये ऐसे ये बुन दिए। अब हमारे बीच में जो ये 2 फंदे हैं इनको उल्टे ही बुन लेंगे। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। देखिए फिर जो ये जाली वाला फंदा है इसको यहाँ बैक साइड से बुनेंगे ऐसे में नहीं बुनेंगे इसको यहाँ से बुनेंगे ऐसे करके ऐसे पलटा के बुनना है इसको। ये ऐसे पलटाया और इसको बुन लेना है ये बुन लेना। फिर हमें यहाँ पे 7 फंदे बढ़ाने हैं। अब इस तागे को ऐसे डालेंगे और ये तागा पीछे करेंगे और एक फंदा तो इसको ऐसे में बना लेंगे। ये एक ऐसे में बन गया। फिर तागा अपनी साइड को करना है और
एक फंदा इससे ऐसे में बना लेना है, यहाँ से ये करके ये बन गया। ये हमारे दो फंदे हो गए, ये दो फंदे हो गए। एक फंदा हम फिर तागा पीछे करेंगे और एक फंदा ऐसे उंगली के सहारे से बनाएंगे। ये हमारे तीन फंदे हो गए, ये तीन फंदे हुए। फिर तागा ऐसे अपनी साइड को करेंगे और एक और इसी तागे से एक फंदा बना लेंगे। ये हमारे चार फंदे हो गए, ये चार फंदे हुए। फिर हम इस बीच वाले फंदे को बुन लेंगे, जो हमारा ये पैटर्न का सिंगल फंदा है इसको बुन लेंगे। ये बुन दिया। फिर हम यहाँ पे अपने और फंदे जो घटे हैं उनको बना लेंगे। चार हमने पहले से ही बनाए हैं, एक यहाँ पे फिर बनाएंगे। इस तागे को उठाया, ये जो ये वाला तागा हमारा, इसको उठाया और इसको बुन लेंगे। ये हमारे पांच फंदे हो गए। फिर एक हम उंगली के सहारे से बना लेंगे, तागा पीछे करेंगे और एक फंदा उंगली के सहारे से बना लेंगे। ये हमारे छह फंदे हो गए। फिर एक फंदा इसी से बना लेंगे, इसको ऐसे किया। फिर तागा अपनी साइड को करेंगे और इस फंदे को, ये जो तागा था हमारा, इस पर एक फंदा और बुन लेंगे। ये हमारे सात फंदे हो गए। ये देखिए, ये सात फंदे हो गए। उसके बाद जो ये जाली वाला फंदा है इसको बुन लेंगे। थोड़ा इसको पलटा के बुनना है, बुनने में थोड़ा कठिन होता है ये। ये पलटा के बुना और ये बुन गया। ये देखिए, फिर हमें बीच के ये दो फंदे सीधे ही बुन लेने हैं। इस तरह हम अपनी बैक रो में फंदे बटा लेंगे। हमारी बैक साइड से फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। हमने बैक रो में क्या किया, जितने फंदे हमारे घटे थे उनको बढ़ाया है। ये देखिए, अब हमारा ये पैटर्न बनके कंप्लीट तैयार हो चुका है। आप इसके ऊपर अब कोई सा भी पैटर्न डाल के अपना स्वेटर बना सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा लगता है हमारा ये पैटर्न बनके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।